बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन मैक्रोनी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया एक देगचा और इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से भून लूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन हो जाए, तो इसमें ऐड करूँगी बोनलेस चिकन जो कि मेरे पास आधा किलो था। क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसको कट कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। चम्मच की मदद से इसको एक दफ़ा लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक्कन देके डाल दूँगी ताकि चिकन का जो अपना पानी है वो इसमें छूट जाए और चिकन को उसी पानी के अंदर हम लोगों ने अच्छे से पका लेना है। 5 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं देगचे में चिकन का अपना पानी छूट चुका है और अब मैं चिकन को इसी पानी के अंदर पकाऊंगी। चिकन को बहुत ज़्यादा, बोनलेस चिकन को बहुत ज़्यादा भूनते नहीं जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड सख्त हो जाता है। चिकन का जो अपना पानी छूटा हुआ है उसी में मैं चिकन को पका लूँगी। और यहाँ पर मैंने ली थी आधी प्याली हरा प्याज, इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से इसमें मैं पका लूँगी। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च, 3 से 4 अदद यहाँ पे मेरे पास कटी हुई गाजरें हैं, अब मैं उनको ऐड करूँगी और चम्मच की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। गाजरों को हम लोगों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, उनका क्रंचीपन वैसे ही बरकरार रहने देना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। हमारी पूरी फैमिली चिकन मैक्रोनी की दीवानी है, हम लोग बहुत शौक से खाते हैं और बहुत शौक से ये बनाते भी हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये चिकन मैक्रोनी रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। गाजरें हमारी ना तो बहुत ज़्यादा पकी हुई हैं और ना ही कच्ची हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बंद गोभी का फूल कटा हुआ और 3 अदद शिमला मिर्च। अगर आप इन वेजिटेबल्स में से किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मज़ा सारी वेजिटेबल डालने से ही आता है। और अब मैं इनको दोबारा से चम्मच की मदद से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम हमारे यहाँ पे मीडियम ही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून भर के चिली सॉस के, साथ ही अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून विनीगर। विनीगर यहाँ पे मैं कम यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ 3 टेबलस्पून सोया सॉस के। इन सब सॉसेस को डालने के बाद अब मैं दोबारा चम्मच की मदद से एक दफ़ा इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी ताकि सॉसेस का जो टेस्ट है वो इन तमाम चीज़ों के अंदर चला जाए। ये आप देख सकते हैं देगचे में जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है और सॉसेस नज़र आ रही हैं उनको हम अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने बॉईल की हुई 400 ग्राम मैक्रोनी वो इसमें ऐड कर रही हूँ। मैक्रोनी को सिंपल मैंने एक देगचा लिया था, खुले पानी में मैंने मैक्रोनी को 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालने के बाद अच्छे से बॉईल कर लिया था और एक छन्नी की मदद से निचोड़ लिया था। यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ थाइम हसब ज़रूरत, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और अब मैं इसको चम्मच की मदद से एक दफ़ा मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। और ये चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी हमारी हो चुकी है रेडी। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और गर्मा गर्म इसको हम लोग खाएँगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी चिकन मैक्रोनी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर फेसबुक पेज एंड फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। अगर आप ये रेसिपीज रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।